हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं स्वामी बाबा के मंदिर। स्वामी दयाल बाबा का मंदिर हमारी ससुराल में है और हम इसकी 4 मंजिल से, हम 3 मंजिल तक गए थे कि बहुत पतली 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 सीढ़ियाँ हैं, बहुत पतली पतली, तो हम 3 मंजिल तक तो जाते हैं, जब डेजी जिद करती है तो ही जाते हैं। और फिर हम गए, हमने खूब मस्ती की और ऊपर से हमने पूरा व्यू लिया, पूरा विज़न वहाँ से हमने कैच किया, पूरा मंदिर का जो व्यू था और पूरे गांव का व्यू था, तो यहाँ से पूरा गांव दिखता है। हमने फोटो वोटो भी कराए वहाँ पे, तो देखो यहाँ पूरा मंदिर का विज़न है। और ये ग्रिल बहुत सुंदर है, स्टील की ग्रिल है, स्टील के ही मटके हैं, इनको पेंट किया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। ये एक आइडिया भी बहुत अच्छा आइडिया, अगर किसी को अपने घर के आसपास या मंदिर के आसपास करना होता है, कोई बड़ा मंदिर होता है, तो बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे तो। और ये हैं हमारे स्वामी दयाल बाबा, स्वामी दयाल बाबा की जय हो। और ये है बाबा का घोड़ा, ब्लू कलर का घोड़ा है, तो बाबा की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, ये बाबा के अंदर मंदिर में जाने का एंट्रेंस है, यहाँ से जाते हैं हम। मंदिर देखे कि बहुत बहुत प्यारा है, मैं लगभग 1 साल पहले आई थी तब इतना प्यारा नहीं था जितना आज। इसका पूरा विजन देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये इस तरह से जैसे धर्मशाला टाइप का भी बना हुआ है, किसी को रुकना होता तो रात को रुकते हैं लोग। और हमारे पुजारी जी हैं, जो 1-2 पुजारी हैं शायद यहाँ पे, तो वो भी यहीं पे रुकते हैं। भैंसे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी यहाँ पे रहते हैं तो रखते हैं यहाँ पे। ये पूरा विजन है। और बाबा की जो बाहर मूर्ति दिख रही है आपको, और उनके घोड़े की जो मूर्ति दिख रही है, ये बाहर भी है और अंदर भी है। एक्चुअली बाहर लगाने का रीज़न है कि लोग दूध से, पानी से, घी से, घी यूज़ करके तो बाबा को नहलाते, तो पूरा अंदर से चिकना चिकना हो जाता था, बहुत दिक्कत आती थी। और अंदर से गुंबद, बहुत लंबा गुंबद बना हुआ है, अंधेरा भी रहता था और वहाँ पे चिकना चिकना सारा गंदा कर देते थे लोग। तो इसलिए बाहर जिसको नहलाना है दूध से, घी से, जिससे भी नहलाना है, पानी से, तो वो गीला जो लिक्विड है वो से यहीं पर सब पूजा करते हैं। बाकी अंदर बाबा के दर्शन हो जाते हैं, जोत भी जल सकती है अंदर। साइड में से देखिए, जहाँ मेरे हस्बैंड है उसके साइड में से अंदर का एंट्री है। और यहाँ पर हमने पूजा की, अंदर भी हमने जोत और धूप लगा दी थी। फिर उसके बाद एक्चुअली 2-2.5 साल पहले हम अपने पूर्व जो बड़े बुजुर्ग थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम की हम गंगा में ईंटें स्नान कराई थी। हमने गंगा जी गए थे तो हमने उनको यहाँ पे स्थापित किया था बाबा के मंदिर के, स्वामी बाबा के मंदिर के साइड में ही। तो यहाँ पे हम जब भी कोई त्यौहार होता है हर बार आते हैं, बाबा को नहला के जाते हैं, इनको भी चादर चढ़ा के जाते हैं, स्वामी दयाल बाबा को भी चादर चढ़ा के जाते हैं। और इस तरह के जो कस्टम्स हैं, आई यूज़ टू फॉलो ऑल दीज, आई रिस्पेक्ट those because these are my duties and I used to fulfill my duty। मैं अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटी हूँ। बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आई एम टोटली नॉन सेंस, बट ऐसा नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। बाबा आप सबको खुश रखें।